माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके नेतृत्व में और मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सम्राटों के प्रति एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विजयों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र के भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं इस पद पर आसीन करने वाले सभी प्रस्तावक एवं अनुमोदनकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन में सभी दलों के नेतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे सर्वसम्मति से इस पद पर चुनने का कार्य किया है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी साहब के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस वक्त पंच परमेश्वर की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें कहा गया था कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है वह खुदा के मुंह से वाणी निकलती है। मैं आसन पर रह करके पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर, दोनों को साथ लेकर सदन की कार्यवाही को बढ़ाने का काम करूंगा और मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि सार्थक बहस हो, जनताओं की समस्या उठे, सरकार उसका निराकरण करे, ये मेरी इच्छा रहेगी। और संत कबीर की पंक्ति मुझे याद आती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल होए। इतना ही कह के मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।